गाड़ी यूज़ करने से पहले या कोई ड्राइवर यूज़ करता हो या मालिक यूज़ करता हो तो उसको जो है जो पॉइंट होते हैं गाड़ी में चेक करने वाले चलने से पहले, तो वो क्या क्या पॉइंट होते हैं ज़रूरी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस गाड़ी में मैं समझाता हूँ कि भाई जैसे मान लो गाड़ी कोई भी हो आपकी, तो सबसे पहले उसका बोनट खोल लीजिए। बोनट खोलने के बाद में पहला जो काम है वो ये है कि भाई पहले तो ये देख लीजिए कोई भी ऊपर से कोई किसी तरह की आपको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही कि जिससे आपको कुछ अलग से लगता हो कि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है। उसके बाद में पहला काम ये गेज है, इंजन ऑयल होता है इसके अंदर, तो किसी गाड़ी में यहाँ पे है, किसी गाड़ी में यहाँ पे होता है, किसी में कहीं होता है, तो इस तरह से हर गाड़ी का अलग सिस्टम है। तो ये गेज आप निकाल लीजिए बाहर, ऐसे ऊपर खींचने से खींच जाता है, और ये आप जो है लेवल देख सकते हैं इसका गेज का, तो ये इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो वो चीज़ जो है आप चेक करा सकते हैं या अनुमान भी लगा सकते हैं कि भाई ज़्यादा कम है तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है चेक कराना, और नहीं तो जो है थोड़ा बहुत कम है तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप चेकअप करा सकते हैं। पहला तो काम ये हो गया। दूसरा काम हो गया ये कूलेंट होता है इसके अंदर, कहीं भी आप देख सकते हैं रेडिएटर का, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है या उधर भी हो सकता है गाड़ी के हिसाब से। तो इसमें यहाँ पर है और ये इसका है एक्स्ट्रा जो बोतल होती है कूलेंट की वो वाली, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ऐसे उठा के आराम से, कि देखने से दिख जाता है, नहीं तो इस पर निशान होते हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ निशान है ये लिखा हुआ, तो वहाँ तक जो है वो क्लियर भरा होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कम है तो उसमें पानी आप यूज़ कर सकते हो, एक ये चीज़ होगी। और फिर ये जो है मेन होता है रेडिएटर का, कैप नीचे की तरफ दबाएं थोड़ा सा और हल्का सा ऐसे घुमाएं और फिर इसको ऊपर उठा लें, तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर ये पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, तो उसमें टॉप अप कर सकते हैं, और ज़्यादा कम है तो फिर वो चेक कराइए चलाने से पहले कि भाई ये दिक्कत हो क्या रही है, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं बैटरी है, बैटरी का ये वायर वगैरह ऐसे चेक कर ले इलाके के भी लूज वूज तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे ना इंजन के आगे फैन बेल्ट लगी होती हैं जो घूमती है इंजन के साथ में, इसमें वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं वैसे किसी भी गाड़ी में नज़र आ जाती है, कोई फ़ैन बेल्ट वगैरह टूटी वूटी तो नहीं है, तो वो चीज़ सेफ़ होनी चाहिए। फिर ये वाइपर का पानी है, ये तो चलो एक बार भर देते हैं तो काफ़ी दिन तक भरा रहता है, यूज़ करने पर ख़त्म होता है, वो भी चेक कर सकते हैं। फिर ये होता है ब्रेक ऑयल, तकरीबन गाड़ियों में यहीं पे होता है, तो इसको भी ऐसे घुमा के खोल लीजिए, ऐसे उठा लीजिए, तो ये जो है लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ज़्यादा आपको कम नज़र आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा भी होता है मैक्सिमम वगैरह जो लिखा होता है मिनिमम मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से होना चाहिए ये पूरा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको भी आप लगा दीजिए। ये चीज़ तो होगी जो बहुत ही ज़रूरी है, चीज़ें जो जाननी ज़रूरी है चलने से पहले। और फिर उसके बाद में आप टायर वगैरह देख लीजिए, चारों टायर आप देखेंगे कि भाई कहीं किसी टायर में हवा वगैरह कम तो नहीं है, तो वो देखने के बाद में आप देखो कि भाई नीचे कोई गाड़ी के नीचे कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा झांक के देख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है नीचे जो है डोगी वोगी बैठे होते हैं किसी वजह से, और वो चीज़ जो है स्टार्ट करके चलने में दिक्कत हो जाती है। आगे पीछे भी आप देख सकते हैं कि भाई कोई मतलब किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है, तो ये चीज़ जो है नोट करने वाली होती है। अब ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे चलने से पहले तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है।